वैदिक टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेघा। देखते हैं आज स्पेशल स्टोरी में आपके लिए क्या कुछ खास है। हिंदू धर्म में श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो जाता है। नवरात्र के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व भी है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है और नवरात्रि के ये 9 दिन माता को समर्पित हैं। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। मान्यता है कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सब तरह के दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। अब जानते हैं इस बार नवरात्रि कब से है। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर 2021 को ये पर्व खत्म होगा। वैसे तो नवरात्रि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए 2 तरह के नवरात्रि हैं। पहला है चैत्र नवरात्रि, लेकिन ये जो नवरात्र हैं ये हैं शारदीय नवरात्र। आप जानते हैं शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना कब करनी है। नवरात्रि का ये पावन पर्व कलश स्थापना के साथ शुरू होता है। शारदीय नवरात्रि में 7 अक्टूबर 2021 को आपको कलश स्थापना यानी घट स्थापना करनी है और कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। अब जानते हैं नवरात्रि में कौन सी तिथियां शुभ हैं। 7 अक्टूबर 2021 यानी गुरुवार के दिन नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवरात्रि की नवमी तिथि होगी। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रों में कौन से दिन कौन सी माँ की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा यानी प्रथमा तिथि। नवरात्रि के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की यानी शैलपुत्री माता की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन यानी 8 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा का विधान है। माँ चंद्रघंटा की पूजा 9 अक्टूबर 2021 यानी शनिवार के दिन तीसरा नवरात्र होगा और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ कूष्मांडा की पूजा 10 अक्टूबर चतुर्थी तिथि पर माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता की पूजा 11 अक्टूबर पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा षष्ठी तिथि यानी 12 अक्टूबर को माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा होगी। माँ कालरात्रि की पूजा कालरात्रि माँ की पूजा बेहद खास मानी जाती है। 13 अक्टूबर सप्तमी तिथि को माँ के कालरात्रि स्वरूप को पूजा जाएगा। महागौरी माता की पूजा 14 अक्टूबर अष्टमी तिथि यानी इस दिन महागौरी की पूजा की जाएगी। माता सिद्धिदात्री की पूजा 15 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा होगी। शारदीय नवरात्रि का व्रत का पारण का समय है 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और माँ दुर्गा की तस्वीर को या फिर मूर्ति को विसर्जित भी किया जाएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैदिक टीवी। नमस्कार।